Hey guys, welcome back to YouTube channel, this is your friend Gopam Dai. दोस्तों आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑल न्यू 2021 Hyundai Venue, जिसके अंदर की बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारा मतलब बेस मॉडल थी, हेडलाइट्स तक डाल दी, फॉग लाइट्स डाल दी, म्यूजिक का काम है, सीट्स कवर है, बहुत कुछ है। तो उसमें से थोड़ा सा सामान अपने पास लेके आ चुका हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले सामान का थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों का होनी जरूरी है कि क्या सामान लग रहा है, क्या लग रहा है। ऑल दो मैंने वीडियो में बीच में बताया, बट स्टिल लाए हैं तो देख भी लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान बहुत सारा है बाबा लोग, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे हेडलाइट से। तो हेडलाइट, पहली बात तो हमने गाड़ी की हेडलाइट पूरी चेंज कर दी, और उसमें थी बेस मॉडल की लाइट, उसको हटा के हमने प्रोजेक्टर वाली टॉप मॉडल की लाइट लगा दी, डीआरएल वाली, जिसके अंदर हमने हैलस की चाइडी हमने उसके अंदर इंस्टॉल करी बाबा लोग। ये देख लो, चेकआउट कर लो, ये हमको मिलता है इसके, और इसके साथ इसके मिलते हैं ब्लास्टर। तो ये इसकी पूरी किट रहने वाली है यहाँ पे हेलिस की, और वहीं हमने फॉग लाइट भी इंस्टॉल की है जो हमारी Hyundai Venue की जेन्युइन थी, उसके फॉग लाइट के प्रोजेक्टर के अंदर हमने यहाँ पे हेलिस की ही LED इंस्टॉल करी है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, एक हाथ से खुल नहीं पा रहा है। सो ये आ गई हमारी इसमें LED, चेकआउट कर लो भाइयों, ये बहुत सेफ तरीके से रखी है इसके अंदर पूरी। देखो हटा के दिखाई देते हैं, देखिए बहुत अच्छा थ्रो है इसका भी। इसको रखते हैं हम सेफ एंड सिक्योर तरीके से। अब हम मूव करते हैं अपने म्यूज़िक के ऊपर। तो म्यूज़िक के ऊपर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे हमने इसके अंदर कोएक्सल स्पीकर इंस्टॉल करे हैं दो। मैं इसको आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ पहले कि कोएक्सल स्पीकर में एक्चुअल में ये खुल गया हमारा डब्बा। ये हमारे कोएक्सल स्पीकर जो JBL के हैं, ट्यूटर इसके सेंटर में ही आता है, जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर ट्यूटर में अलग से मिलता है। ऑल दो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपका बजट थोड़ा बहुत अच्छा भी है तो आप जो है कंपोनेंट्स पे जाएं, अदरवाइज इनकी आवाज़ भी अच्छी होती है। बाकी वीडियो के एंड में इनमें से काफ़ी चीज़ों के रेट आपको डिस्कस करूँगा। अब हम बात करेंगे अपने हेड यूनिट की। ये हमारा हेड यूनिट देख लो भाई, चेकआउट कर लो, और ये पूरा रहने वाला है देख लो। चलो ये हो गया, इसके साथ हमें मिलता है क्या, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसके बाद हमें पूरा प्रॉपर वायरिंग मिलती है इसी की, जिसके अंदर आपको GPS एंटीना भी मिलता है, पूरी वायरिंग वगैरह आती है, एंटीना वेंटीना हर एक चीज़ हमको इसके अंदर जो है मिलती है। तो ये तो हो गया हमारे सामान की बात सारी। सो ये तो हो गया हमारा सारा सामान आज के इस वीडियो का, जो जो गाड़ी के अंदर इंस्टॉल होना, और कई सामान ऐसा भी है जो गाड़ी में ऑलरेडी इंस्टॉल हो रहा है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, गाड़ी में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। रहने वाले आज ऑल न्यू 2021 Hyundai Venue, इसके अंदर की हमने फॉग लैंप्स इंस्टॉल कर दिए हैं इस टाइम पे क्रोम के साथ। और अभी यहाँ पे अभी आप क्या कर रहे हो भैया, फॉग लाइट भैया लगा रहे हैं, फॉग लाइट्स इसकी देख लो। वो जो फॉग लैंप हमने इसके अंदर इंस्टॉल की है, प्रोजेक्टर है पूरा, देख रहे हो पूरा प्रोजेक्टर है, और जो कि ओरिजिनल हमारा आती ही है। सो साइड प्रोफाइल की अगर बात करें, यहाँ पे साइड प्रोफाइल में हमने इसके अंदर जो स्टेपर इंस्टॉल किया देख लो भाइयों, जिसको कि अभी मैं आगे आपको वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। और साथ हमने इसमें बैजिंग लगाई है, बीडिंग लगाई है Venue की। और अब हम चलते हैं रेयर प्रोफाइल पे। तो रेयर प्रोफाइल की बात करूँ, रेयर में हमने इसके अंदर जो क्रोम आइटम हमने पहले से उसके टेल लैंप्स पे लगाए हैं पूरी बैजिंग के साथ। और इसके बाद हम बात करें थोड़ा सा नीचे से डिग्गी में क्रोम, और उसके बाद सबसे ज़्यादा स्पोर्टी लुक गाड़ी को जाता है वो है इसका डिफ्यूज़र। तो डिफ्यूज़र गाड़ी को कहीं तक स्पोर्टी लुक देता है। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ गाड़ी के अंदर, देखने के लिए कि गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है। तो गाड़ी के अंदर आपको लेके चलो, तो हमारे बंटी भी अलग है। बंटी भी आप क्या कर रहे हो उस पर? अच्छा लाइट इंस्टॉल कर रहे हो भैया, लाइट दिखा रहे हो, देखो लाइट इंस्टॉल कर रहे हैं। तो भैया इसमें जो है इस टाइम पे रूफ लाइट इंस्टॉल कर रहे हैं, जो हमारी प्रॉपर Hyundai की रहने वाली है। साथ में इसमें जो है एंड्रॉयड हम इंस्टॉल कर रहे हैं 10 इंची, देख लो भाइयों पूरा फ्रेम के साथ है, जिसमें कि हमारा जो है ब्लोअर के पूरा फ्रेम आता है 216। चलिए और जो हमारा लग रहा है पूरे कपलर के साथ लगेगा भाई, देख लो ये हमारा कपलर है अपना, जो भी कटिंग होगी हमारे अपने कपलर में होगी, जैसी भी होगी हमारे अपने कपलर पे होगी। और जो कंपनी की वायरिंग है वो सामने है वाइट दोनों, ये दोनों लगेगी हमारी इसके पीछे। और तो कहीं कटिंग वटिंग होगी होनी भी हो तो हमारी वायरिंग में होगी, आपकी वायरिंग में कुछ नहीं होगा। और यह हमारे बैट्समैन ने छक्का मार दिया है, हेडलैम्प्स निकाल लिए हैं बाहर, ये हमारे हेडलैम्प्स है जो हमें बेस मॉडल के अंदर मिलते हैं, इसको हमने हटा दिए हैं क्योंकि इसके अंदर हम डालने वाले हैं टॉप मॉडल के हेडलैम्प्स, है ना भैया।
छक्का मार के मानोगे आज। और यहाँ पे आ गई हमारी हेडलैम्प्स, दिखाना भी एक बार उठा के सामने से, हमारी हेडलैम्प्स आ गई सामने जो कि प्रोजेक्टर वाली है, देख लो भाई। इसको हम अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे और बस जो वायरिंग किट हम यूज़ करेंगे ये हमारी रहने वाली है प्रॉपर मिंडा की, मिंडा मतलब मिंडा के कई चीज़ें जो है ऑथोराइज कार्स के उसमें भी लग कर आते हैं ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल हॉर्न वगैरह आते हैं इसके बहुत अच्छे, जो कंपनी भी लगा के देती है कई गाड़ियों में। ये हमारे पुराने वाले नॉर्मल हेडलैम्प्स और ये हमारे नए। सो यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड लग गया है गाड़ी में भैया, जिसको भैया ने भी चला के दिखाया। अभी हमारी गाड़ी में जो है फ्रंट में कोएक्सल स्पीकर लगे हुए हैं JBL के, और रियर पे हमारे कोएक्सल स्पीकर इंस्टॉल्ड है, उस डोर भी इंस्टॉल हो रखे हैं। सो चारों डोर्स पे हमने यहाँ पे कोएक्सल स्पीकर इंस्टॉल किए हैं जैसे कि उसकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। और यहाँ पे हमारे जो है स्पीकर्स हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, अभी रेयर का डोर का भी स्पीकर लग गया जैसे मैंने आपको दिखाया, और इसमें जो है इस टाइम पे एंड्रॉयड हेड यूनिट भी लग गई है जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जिसके अंदर भी अपना गाना चल रहा है। और मैंने आपको ये दिखाने का रीज़न ये है कि हमारे सारे माउंट कंट्रोल्स जो है काम कर रहे हैं, वो देखो वॉल्यूम बढ़ेगी अभी देखा, तो इस टाइम पर इसके सारी चीज़ें जो है वर्किंग है यहाँ पर। और साथ साथ अगर आपके पास स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं है और स्टॉक स्टीरियो है तो उस पर भी जो है स्टीयरिंग के माउंट कंट्रोल वर्क कर जाएंगे सारे। और यहाँ पे निकल गई हमारी सीट्स, और ये हमारी पुरानी वाली लाइट है बेस मॉडल वाली, ये हमारी टॉप मॉडल वाली हेडलैम्प्स है जिसमें पूरी DRL आती है राउंड शेप में, और अंदर आता है प्रोजेक्टर, काफ़ी यूनिक है, डिफरेंट डिज़ाइन है काफ़ी। और इंटीरियर की बात करूं तो इंटीरियर में भैया ने भैया स्टीयरिंग स्ट्रेच कर रहे हैं इसका। सो यहाँ पे हम चढ़ के दिखाएंगे आपको क्वालिटी इसकी, कोई नहीं कोई नहीं, एडजस्टमेंट लेगा ना थोड़ी सी, जंप में एडजस्ट नहीं लेता, हो गया। सो भैया ने पूरे जंप करके टेस्ट कर, भैया सही है ना? बिल्कुल ओके, ओके की रिपोर्ट है ओके। सो ये स्टेपर भी हमने इंस्टॉल किया इसके अंदर, और ये इंडिकेटर कसम से बड़े अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है। सो हमारा जो इंडिकेटर है साइड वाला बेसिकली ये हमारे पार्किंग पे भी ऑन होगा, भैया उसी के कनेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारी लाइट सेट आउट कर लो। और ये हमारी दूसरी हेडलैम्प्स आ गई इस टाइम पे लगने के लिए, एक हमारी रेडी हो चुकी है। और यहाँ हमारा स्टीयरिंग स्टिच होते हुए, और साथ हमारी इसमें आ गई है सीट्स, मैं आपको वो भी दिखाया था। ये बात ठीक नहीं है। और यहाँ सीट हमारी फ्रंट की, रेयर में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। सीट की फिटमेंट बहुत अच्छी है, सीट की फिटमेंट बहुत अच्छी है, ये तो चौक है यार, चौक का निशान है। और हमारे संदीप भैया, संदीप भैया कर रहे हो DRL लगा रहे हो भाई? DRL सॉरी DRL हमारी, ये हमारी लगती है लाइट के ऊपर से, लाइट खोलने वोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको ऊपर से जो हम अप्लाई करते हैं डबल टेप से लगा के। और ये हमारे भैया लोग लाइट की इंस्टॉलेशन करते हुए, भैया पर लाइट दिखाना। एक बार इसकी फिटमेंट पूरी होने दो, उसके बाद दिखाता हूँ आपको पूरा, एक उस साइड की भी रखी हुई है अभी ऊपर ही, अभी इसकी फिटमेंट होनी बाकी है, दिखाना भी एक बार ठीक से। हमने इसके अंदर DRL इंस्टॉल करी है, और एक साइड की लाइट हमारी पूरी फिट हो चुकी है, इसके अंदर भी मैंने इंडिकेटर दिया था, देखो भाई पर इंडिकेटर बंद करना, देखो भाई। सो यहाँ पे हुई अपनी वेन्यू पूरी तरह से रेडी, पहले चेकआउट कर लो इसका फ्रंट का लुक पूरा।
सो लाइट्स भी इन्हें बहुत अच्छी यूज़ करी है इसकी फाइनली काफ़ी सोचने के बाद, लेकिन अच्छा डिसीजन था लाइट लगवाने का कि गाड़ी है कि बार बार खुलना भी अच्छा नहीं है, एक बार खुली ही है तो काम पूरा हो जाए। ओके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बातों पर आते हैं। पहले हमने इसके अंदर प्रोजेक्टर इंस्टॉल किया है इसकी फॉग लाइट के अंदर, और उसके अंदर हमने इंस्टॉल की है LED, ठीक है भाई, जो कि हेलिस की है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो ये DRL है, DRL और डेयरिंग लाइट है ये, जो कि इसके अंदर साथ में इंस्टॉल है। और वहीं थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे भी एक DRL है, और थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो यहाँ हमने इसके अंदर भी एक DRL इंस्टॉल किया है, जो कि इंडिकेटर्स पे अच्छे बहुत अच्छा फ्लोट देगी। एक बार मैं ऑन करता हूँ उसके इंडिकेटर्स। ओके तो यहाँ पे ये इसके इंडिकेटर का रिफ्लेक्शन है, देख लो भैया, सो हमारे इसके जो इंडिकेटर्स है ये प्रॉपर मैट्रिक्स में है, देख लो पूरा मैट्रिक्स है। ओके अब हम मूव करते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे, और साइड प्रोफाइल की अगर बात करें, साइड प्रोफाइल भी इसमें हमने काफ़ी सारा अच्छा अच्छा काम किया है। देखिए पहले तो हमने इसके अंदर साइड स्टेपर हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया, भैया एक बार चढ़ना, ये देखो ये हमारे भैया चढ़ गए इसके ऊपर, और भैया भी अच्छे खासे हैवी हेल्दी है, चढ़ लो भैया, ये देखो भैया चढ़ गए भैया पूरे स्टेपर्स पे, और ये स्टेपर्स हमने खुद के इंस्टॉल करे हुए हैं। बात करें साइड इंडिकेटर्स की तो इंडिकेटर हमने काफ़ी फैंसी इसके अंदर इंस्टॉल करे हैं, जो कि देख लो इंडिकेटर्स भी हैं और DRL भी है इसके अंदर, अगर इंडिकेटर्स बंद करेंगे तो। ओके अब हम बात करते हैं इसके साइड में और आए तो क्रोम के इसमें कई सारे आइटम हमने इंस्टॉल करे हैं, पूरे रेन वाइजर हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया, उसके साथ रूफ रेल इसके अंदर हमने इंस्टॉल करी है, देख लो भैया। ओके अब हम आते हैं इसके रेयर प्रोफाइल पे, तो रेयर प्रोफाइल पे ऐसा कुछ खास नहीं है, बट अंडर एस्टिमेट मत करो, डिफ्यूज़र इंस्टॉल किया हुआ है, ये देखो गाड़ी को स्पोर्ट्स लुक दे रहा है पूरा, ये देख रहे हो ये गाड़ी को पूरा स्पोर्ट्स लुक देता है। ओके उसके बाद आप बात करेंगे डिग्गी, इसमें डिग्गी क्रोम हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। और उसके साथ साथ हमने इसकी जो है टेल लाइट्स पे भी जो है वेन्यू की बैजिंग वाला ही क्रोम इंस्टॉल किया है, बाकी शार्क एंटीना है, छोटी मोटी चीज़ है इसके अंदर और लगी है, जिस पे कि ऑब्वियस कोई भी ध्यान नहीं देता है। ओके और इसके बाद अगर हम बात करें इसके इंटीरियर पे, तो इंटीरियर के अंदर मैं आपको लेके चलूँगा। इंटीरियर की बात करें पहले तो इसके अंदर हमने 10 इंची एंड्रॉयड स्टूडियो हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया भाइयों, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और इसके अंदर हमने जितना भी काम किया है पूरा कपलर टू कपलर हुआ है, जो कि मैं आपके वीडियो में ऑलरेडी आगे दिखा चुका हूँ। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी सीट्स की, सीट्स में आपको इसकी अच्छे से चेकआउट करा देता हूँ, सीट्स की हमारी खुद की अपनी फैक्ट्री है जहाँ पे कि हम आपकी हर एक डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं, पीछे के इवन आर्मरेस्ट तक हमने इसका रेडी किया हुआ है। ओके इसके अंदर मूव करेंगे डायरेक्ट नीचे, 70 mat हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं, जो कि हमारे भैया को जो है पसंद अपने सीट के कवर के अकॉर्डिंग किया है, तो हमने वही इसके अंदर इंस्टॉल किया, अदरवाइज ब्लैक भी थे पर पूरा ब्लैक ब्लैक है, पता ही नहीं चल रहा था कि नीचे 70 mat जो इंस्टॉल किए हुए हैं। साथ में हमने इसके अंदर सनग्लास होल्डर भी इंस्टॉल किया है, इसके अंदर लाइट्स आपको दिखी रही है। बात करूँ अगर इसके अंदर स्पीकर्स की, स्पीकर्स हमने इसके अंदर जो है चारों डोर्स पे कोएक्सियल स्पीकर इंस्टॉल किए हैं, जो हमारे JBL के रहने वाले हैं। ओके तो यहाँ वैसे भैया जी की गाड़ी है, भैया आपका नाम क्या है भैया आपका? ओके भैया कैसा लगा काम भैया का? बढ़िया लगा। अच्छा लाइट्स को लेके आप थोड़ा कंफ्यूज थे, इंस्टॉल करें कि नहीं करें, भैया ने आपको सजेशन दिया, आपने इंस्टॉल करवाई, आपको अच्छी लगी? मतलब डिसीजन ऐसा तो नहीं है ना कोई फोर्सफुली कराया, पसंद आया आपको? चलो मतलब आपको पसंद आया काम और आना पूरा वर्थ रहा आपका? एकदम 10 बजे कितने मार्क्स दोगे भैया को? 10 में से 10 नो डाउट। ठीक है चलो ठीक है, थैंक यू भैया। जो कराया ऐसा तो नहीं लगा कि कोई काम आपको बगैर कहे हुए बगैर बताए हुए बगैर रेट बताए हुए हमने जबरदस्ती चेप दिया? नहीं नहीं, एक होता ना कि काम ग्राहक अनजान होता है, ठीक है काम शुरू हो जाता है, बाद में उसके बाद क्या कहते हैं कि उसमें कमियां आना शुरू हो जाता है, कोई चीज़ कहीं से निकल रहा है, कोई बम्पर की लॉक टूट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ऐसा तो कोई कुछ नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, नहीं। बाकी भैया
बाकी भैया आप मेरे सब्सक्राइब कर लेना, आपको अगर कुछ भी डाउट होगा, अगर कुछ भी दिक्कत आएगी वैसे तो आप उस पर कमेंट कर देना, हम आपका कमेंट पिन आउट करेंगे। आप पहले कमेंट करना अगर दिक्कत आएगी तो, और अगर जब रिजोल्व होगा तो उसी पे अंदर कमेंट भी कर देना दोबारा, अगर ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया, अभी तक तो कोई इशू तो आया नहीं है, ठीक है, लगा भी नहीं होगा क्योंकि मुझे लगा कि सारे बाकी आपको, हाँ बाकी आपको ये तो नहीं लगा ना आपका सामान उखाड़ के फेंका इधर उधर? नहीं नहीं, चलो मेरे डिक्की में सेव कर रहे, चलो ठीक है भैया, थैंक यू। ओके सो भाई यहाँ पे हुई हमारी ऑल न्यू Hyundai Venue 2021 पूरी तरह से कंप्लीट। सो भैया एज यूजुअल मैं आपसे वीडियो में कॉस्टिंग पूछता ही हूँ क्योंकि हमारे भाई बंधु बोलते हैं कि उनको एक आइडिया अमाउंट जो होता है। इसके अंदर हमने जो एंड्रॉयड लगाया 10 इंची था भैया, उसकी कॉस्ट क्या थी? जाने पहचाने कंपनी की है, हाइपरसोनिक का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, 12,500। ठीक है तो इसकी कॉस्ट है 12,500 रुपए। ठीक है भैया, हंस रहे हैं। अच्छा भैया एक चीज और पूछूंगा, सस्ते से सबसे सस्ता एंड्रॉइड कितने का? 7,000 रुपए। और सबसे महंगा? सबसे महंगा वही अपना 25,000, 24,000, 21,000, 27,000, हर रेट में अवेलेबल है। ठीक है, और भैया हमारे गाड़ी में आज कोई एक्सेल स्पीकर लगे थे JBL के 4, मतलब 2 का पेयर लगा था, पेयर कितने का आता है एक JBL कोई एक्सेल का? भैया इसमें 3 मॉडल आते हैं, एक 2,000 का आता है, एक 2,400 का आता है, एक 2,800 रुपए का आता है। ठीक है, 3 मॉडल आते हैं। अभी अगर किसी को JBL कंपोनेंट लगा रहे हैं तो JBL के कंपोनेंट आपको 4,200 रुपए से स्टार्टिंग है। ठीक है, वो भी ऊपर नीचे होता है, नहीं फिक्स प्राइस है? नो भाई, ये फिक्स प्राइस कर दिया भैया आप तो, फिक्स है ना? हाँ जी। चलो और भैया सबसे बड़ी बात, इसके अंदर बहुत कुछ लगा। ठीक है, हाँ सबसे पहला बात, कवाई तो हर कोई करता ही है जी, सही बात है। एक होता है रिजनेबल, एक होता है अनाधुन। अनाधुन वाला तो हमारा कोई काम नहीं है, हम तो चाहते हैं कि ग्राहक खुश होके जाए, खुश होके जाए। ठीक है, उसमें हमारे को बड़ी खुशी होता है। बंदा वेन्यू वाला आपने देखे होंगे, आया उस समय से और जाते वक्त तक कितने खुश होके खुश थे, ये तो है। ठीक है जी, इसमें आपने बहुत कुछ लगाया, सीट कवर लगाया उनकी मनपसंद का, और वो भी आपकी ही वीडियो देख के आए थे, वीडियो दिखा के सीट को सेम डिजाइन बनवा के अच्छा सेम कलर। ठीक है जी, उसके अंदर हमने लगाया एंड्रॉइड स्टूडियो, 2 GB रैम, 16 GB इंटरनल जो हाइपरसोनिक का था। ठीक है, उसके बाद हमने लगाया उसके अंदर अपना हेडिंग कैमरा जो मूविंग वाला था। अच्छा, मूविंग वाला कैमरा। उसके बाद हमने लगाया उसके अंदर प्रोजेक्टर वाली फोक लाइट जो Hyundai Genman था। उसके अंदर हमने लगाया हेडलाइट टॉप मॉडल की, टॉप मॉडल की Hyundai Genman था। ठीक है जी, आगे का हमने ग्रिल चेंज किया। ठीक है जी, उसके बाद हमने अंदर लगाया सनग्लास होल्डर। हाँ जी भैया, उसके अंदर प्रोजेक्टर में हेडलाइट में HID डाला, फोक लाइट में LED डाली। ठीक है जी, उसके बाद हमने लगाया इसके अंदर रूफ रेल, साइड फुट रेल, डिफ्यूजर आगे पीछे, डोर वाइजर, लोअर गार्ड नहीं। सबसे मस्त था इसका वो स्टेपर जो हमने चढ़ चढ़ के दिखाया, दो बंदे ने चढ़ के दिखा दिया। ठीक है जी, और इस गाड़ी का नहीं किसी भी गाड़ी का, क्रेटा का भी, जिन भाई का खराब हो गया हो कंपनी वाला उनको भी मिल जाएगा। जो स्कॉर्पियो का खराब हो गया हो, अगर स्कॉर्पियो S5 हो, S7 हो, उनको अगर ब्लैक वाली फुटरेस लगवाना हो वो भी मिल जाएगा आपके। अच्छा, पास हो रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। बाद की गाड़ी कोई भी हो सारा कुछ मिल जाता सारा है, मिल जाता है। ठीक है, बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, ग्राहक कोई भी आए तसल्ली पूर्वक बैठे और किसी की फोन पे सुन के कहीं जाके गाड़ी बेगैर सामान देखे हुए ना लगवाए। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि भैया आप कहीं भी वीडियो, हजारों बंदा वीडियो बनाने वाला है आज की डेट में, मुझे नहीं लगता करोलबाग करोलबाग से बाहर कोई दुकान YouTube पे वीडियो डाले बगैर बचा हुआ होगा। ये भी ठीक है जी, पर आप जाते हो ना तो आप 10 रुपए का सामान लेते हो या 1,00,000 रुपए का सामान लेते हो, आप सामान निकलवाओ, देखो, फिर आगे ऑर्डर करो। भैया ये चीज पसंद है मुझे, ग्राहक का ये फर्ज है, और फिर गाड़ी में 2 लगाने के लिए। सही बात है, ठीक है। और आप अपनी गाड़ी के आगे पीछे ये भी देखो कि सामान क्या लग रहा है, क्या हेरा फेरी हो रहा है, क्या फर्क, ये तो है मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ, ये हर तो वीडियो में बल्कि हमारे वीडियो में हमारे जो भैया थे जिनकी गाड़ी थी उन्होंने भी अपना काम पूरा सामने बैठ के देखा, कपड़ा चेक करे, मतलब सब कुछ देख रहे थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ दी थी, वो भी अपनी गाड़ी पर है, उनको बहुत असली हुई है गाड़ी देख के भी। चल सो भाई यही था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको दिखाई Hyundai Venue। सो अगर आपको भी इस तरीके से अपनी गाड़ी में काम कराना है तो आपको आना है क्रिस्टल कार केयर करोलबाग विजय भैया के पास। तो ये नंबर आ रहे हैं स्क्रीन पे, भैया को कॉल करो, परेशान करो, व्हाट्सएप करो, जो भी गाड़ी है जैसी भी गाड़ी है हर गाड़ी की प्राइस लिस्ट आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन जरूर दबाना नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा नेक्स्ट वीडियो का। चलो मिलते हैं विजय भैया के और वीडियो से फ्यूचर में, टिल देन बाय।